थैंक यू सो मच आभार सभी मीडिया बंधुओं का जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझको प्रदान किया। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारा एल्बम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अटल, और बहुत ही गौरवमयी की बात है कि हमारी आदरणीय सविता दीदी ने मेरे विचारों को समझा, जाना और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जब मैं बॉम्बे आया तो हमारा सोमा जी का आशीर्वाद मुझे सदैव प्रदान होता रहता है, और हमारे आदरणीय बी एन तिवारी जी का भी मुझे सदैव आशीर्वाद प्रदान होता रहता है। जब मैंने अपने विचार दिलीप जी के समकक्ष रखे गानों को लेकर, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया, मगर मुझे खुशी उस बात की है कि हमारी आदरणीय लता जी जिन्होंने अपने जो विचार थे अटल जी के प्रति, उन्होंने इस गाने में पूर्ण रूप से पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं चाहूँगा कि आगामी बहुत जल्द जब ये एल्बम रिलीज़ होगी तो हमारे बीच एक नया सिंगिंग सुपरस्टार सत्यम उपाध्याय, जिन्होंने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है, आज उसी की लॉन्चिंग है। मैं चाहूँगा कि आज की प्रेस वार्ता का जो मोटो है आदरणीय सोमा जी अवगत कराएं हमारी मीडिया बंधु को। हाँ जी नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल में, मतलब जैसे हमारी बहन जी आई सोमा जी, अरुण बख्शी जी, और सबसे हमारी सुपरस्टार आरती जी, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की इस पूरे प्रोग्राम के जो मैन हीरो हैं, जो करता धरता है आर्यन जी, मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट पे मुझे यानी दिलीप सेन को और मेरी लाडली बहन लता हया जी को चुना, और हम दोनों ने भाई बहनों ने कोशिश की, और इसका जो खास इस प्रोग्राम का एक डायमंड जो है वह है हमारे सत्यम जी, इनकी आवाज़ में हमने ये गाना रिकॉर्ड किया। और मैं एक खास बात आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे 2000 से ऊपर गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, सभी सिंगरों के साथ मैंने काम किया है, मगर सत्यम जी के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये लड़का पहली मरतबा मेरे साथ काम कर रहा है। क्या बात। और आप लोगों ने अभी इनकी आवाज़ सुनी भी, जो कॉन्फिडेंस है इसमें, उससे लगता है कि ये बच्चा एक दिन अपना मुकाम यहाँ इंडस्ट्री में बहुत प्यारा मुकाम बनाएंगे, जैसे और दूसरे सिंगरों ने बनाया है। और मैं खास करके यही कहूँगा आर्यन जी को कि आर्यन जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और इस बार भी जो अटल जी के लिए ये लेके आए कि शून्य से शिखर तक, ये जो टाइटल है इसको निभाने के लिए अगर कोई सही माने में अगर राइटर चाहिए था या कोई सोच चाहिए थी जो अटल जी की सोच से मेज खाती हो या वहाँ तक पहुँच सके, वो मुझे नहीं लगता कि लता हया जी के अलावा कोई हो। तो मैं चाहूँगा एक बार लता जी के लिए कई तालियां बजाई जाए, क्योंकि लता जी ने इसमें कलम तोड़ दी। शून्य से शिखर तक, ये जो इसका जो नाम है, टाइटल है, इतना खूबसूरत है कि आदमी शून्य में ही रहता है लेकिन अपना संघर्ष, अपना अपनी ऊर्जा, अपनी आदर्श से ही आदमी शिखर को छू पाता है। तो आर्यन जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि अटल जी के याद में जो वो कर रहे हैं, ये शून्य से शिखर तक, ये बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देगा। और आज जो संगीत का लॉन्च हुआ, ये संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन जी को कौन नहीं जानता है, हाँ, तो इन्होंने अपना जादू बिखरा, ये तो क्या बने क्या कुछ मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने इतने हिट्स सॉन्ग दिए हैं, ये आर्यन जी की सौभाग्य है कि दिलीप जी ने इसको सुर में बाधा है और लता जी ने महसूस किया है अटल जी। पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो आर्यन मिश्रा जी को आज जो उनका जो अवार्ड होने वाला है उसका टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया उन्होंने आज, और बाकी मेहमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद अदा करती हूँ, और सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गाने को पसंद किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा बीज होता है वृक्ष वैसा ही उगता है, तो ये जो टाइटल है ये अपने आप में इसने बीज का काम किया है। जैसे ही आर्यन जी ने ये टाइटल दिया शून्य से शिखर तक, वैसे ही मेरे अंदर तक जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई, और मैंने सोचा कि इसको जस्टिफाई पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे याद है कि नीरज जी ने कहा है कि अगर इंसान होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य है। क्या बात है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि उसने मुझे अल्फाज का एक जो दिया है उसको अरेंज करने का जो हुनर दिया है, और मैं आज सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि मैं ऐसी दो विभूतियों के बीच में बैठी हूँ, तो वाकई आज सौभाग्यशाली हूँ। तो उसका कर्म है, मैंने हमेशा ऐसा माना है कि
जो ईश्वर है और जो खुदा है वो इंसानों को चुनता है ख़ास काम करने के लिए। ये इनको आवाज़, उनको म्यूज़िक, उनको काम करने का जज्बा, उसको एक बहुत अच्छा गला, तो उसने भी मुझ नाचिस को चुना लिखने के लिए। तो मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। क्या बात, क्या बात। तो इस गाने को कैसे आपने किया? तेरा स्वाभिमान सम्मान अटल, तेरा ज्ञान गूढ़ संग ज्ञान अटल, तेरी आन बान और शान अटल, तेरी वाणी और तेरा तान अटल। ऐसे भाव, ऐसी एक टॉपिक जिनमें मैं तो इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं किसी को नाम से बोलूँ, बट आज ये गुस्ताखी करूँगा। श्रीमती लता हया जी ने जिसमें अपने शब्द पिरोए, जिसमें दिलीप सेन जी ने अपनी धुन दी, और जिसको मैंने गाने का प्रयास करा, और ये सब आर्यन जी की छत्र छाया में हुआ, आर्यन सर की वजह से हुआ। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो ये कॉज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं अमन आर्यन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा एम्बियंस, इतने अच्छे मेहमान। मुझे याद है 2000 में हमने, आई वॉज वन ऑफ द जूरी मेम्बर फॉर स्क्रीन अवार्ड्स, उसमें हमने उनकी जो रचना थी यथार्थ, उनकी जो एल्बम थी, जिसको पूरी एल्बम को जगजीत सिंह साहब ने गाया था और अटल जी ने उसको लिखा था, आई फॉट विद स्क्रीन अवार्ड गाइज, स्क्रीन अवार्ड एडिटर, एंड आई टोल्ड देम के अटल जी इज मच बेटर देन एनी लिरिसिस्ट, एनी शायर, ये जो मुझे 250 कैसेट दी है, उस ज़माने में कैसेट का ज़माना था, और उनकी रचना इतनी खूबसूरत थी, उसमें उनको अवार्ड मिला था। दैट वॉज माई फर्स्ट मुलाकात विद अटल जी। आज का दिन है ना, बहुत सुंदर है दिलीप जी। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि दिलीप जी मेरे परिवार जैसे हैं, मेरे पिता समान हैं, बचपन से मुझे जानते हैं, कितना उनका आशीर्वाद है मेरे सर पर। और मुंडे जी तो हमारे भाई, आपको सबको पता ही है। तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आर्यन जी को कि आपने इतना सुंदर सब्जेक्ट सुना चुना है। आज कारगिल विजय दिवस है, आज कारगिल विजय दिवस है, और हम, हमारे देश के जवान, हमारे लोग, हमारे देश के लिए जो लड़ते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे अटल जी, तो हम सब इनका सम्मान करते हैं, इनको तारीख दिन पर याद करते हैं, उनके लिए दो शब्द बोलते हैं। तो इन्होंने आज ये गाना रिलीज़ किया है, तो ये तो अपने आप में अटल है गाना। क्या बात है। झिरझिर बरसे, झिरझिर बरसे सावन रस बुदिया के आई गई लेना, अब बरखा बहा। क्या बात, आई गई लेना के आई गई लेना के आई गई लेना। ये घुमरी है ना, कजरी है। गाना एक्चुअली क्या है कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन, जिसके साथ में आने वाले कल का फ्यूचर जो है सत्यम, एक खूबसूरत लड़का, एक भविष्य है म्यूजिक का, अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी म्यूजिक बनी है। लता हया जी ने लिखा है, और लता हया जी ने तो मानी जानी हस्ती हैं, सारे कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। शून्य से शिखर तक, मौन से मुखर तक, प्रारंभ से प्रबल है, प्रारब्ध से सबल है। क्या बात है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तिरंगा तीन रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं बोला 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 बोला। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बाजी में ये गाना लिखा गया था श्री मनोज कुमार जी ने, इसका संगीत हमने दिया था, गाया भी हमने था। कभी कभार ऐसा पागलपन होता है। हाँ बहनी बोलिए। मैं यहाँ बैठे सभी आदरणीय को पहले नमस्कार करती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है आयरन के ऊपर कि वो इतने अच्छे अच्छे कार्य करता है, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करता रहता है। वाह। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग अगर इसका इसी तरह से आप सबका प्यार और आशीर्वाद इस पर रहेगा तो आगे भी काफ़ी अच्छे कार्य अच्छे 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 कार्यक्रम करता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का इस आशीर्वाद और सहयोग है। वाह।